नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपन की जैसे जो कैमरा सेटिंग्स होती हैं वो अपन किस बटन से कौन से सेटिंग सेट कर सकते हैं। कि जैसे मान लो आपका शटर स्पीड हो गया, अपर्चर हो गया, आईएसओ हो गया, ठीक है, वाइट बैलेंस हो गया, फीचर कंट्रोल हो गया, तो ये अपन किस बटन से कैसे सेट कर सकते हैं। देखिए, मैं जो अभी जो ये वीडियो डाल रहा हूँ या जो वीडियो बना रहा हूँ, ये उन कस्टमर्स के लिए हैं जो कि पहली बार कैमरा लिया है, ठीक है, कैमरे के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, फर्स्ट बार DSLR यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए हैं। जैसा कि जो यूज़ कर रहे हैं, जो पहले से चला रहे हैं, तो उनको तो ये चीज़ें पता है कि कहाँ से क्या चीज़ सेट करनी है, तो ये चीज़ें हैं। देखिए, मैं मान लो मैं ये मेरे पास जो कैमरा है आप देख रहे हैं, निकॉन का D5600 कैमरा है, ये जो बेसिक मॉडल होते हैं उसमें सारे बटन्स एक जैसे ही होते हैं। जैसे मान लो 3000 सीरीज़ हो गई, 5000 सीरीज़ हो गई, तो ये जो कैमरे आते हैं इनमें सब जो सेटिंग के जो बटन होते हैं, जिस बटन से अपन जो सेटिंग करते हैं, जो मेन्यू होता है, वो सारा सेम होता है। तो मैं ये कैमरा ले रहा हूँ, इस कैमरे से आपको सारे बटन्स के बारे में, किस बटन से क्या अपन मतलब डायरेक्टली अपन सेट कर सकते हैं, कौन सी सेटिंग अपन मैनुअल जाके कर सकते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं इससे बता रहा हूँ। देखिए, मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ मेरे आपके हिसाब से, तो एक मिनट दीजिए मेरे को, ताकि आपको क्लियर पता चल सके कि क्या चीज़ कहाँ से सेट हो सकती है आपकी, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताऊँगा आपकी, आपको भी ज़्यादा दिखने में, ये देखिए आपको दिख ये देखिए, ये हाँ ये देखिए, ये देखिए, अब आपको दिख गया ना, ये जो से आपको जैसे मान लो आपको ये जो दिख रहा ना, ये होती कैमरे के अंदर आपने जैसे ही कैमरा ऑन किया होगा ये चीज़ आई होगी। जैसे तो ये तो हो गया आपका ISO, देखो, और ये जो ब्लिंक करा ना, ये वाला बीच वाला जिस पे F लिखा हुआ आ रहा, ये हो गया आपका अपर्चर और ये हो गया आपका शटर स्पीड। अब इनका मतलब क्या है, ये कैसे काम करते हैं, मैं आगे वाले वीडियो में अलग अलग बताऊंगा कि ISO का क्या काम होता है, अपर्चर क्या का क्या क्या काम होता है, शटर स्पीड कैसे काम करती है, उसका क्या क्या काम होता है, वो मैं चीज़ें आगे बताऊँगा। मैं केवल आपको अभी ये बताने जा रहा हूँ कि कौन से बटन से आप क्या सेटिंग सेट कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ अभी इस वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ। देखिए, स्टर स्पीड जो, जैसे मान लो आपको स्टर स्पीड चेंज करनी है, मैनुअल में है आप, जैसे ये जो स्टर स्पीड है, इस स्टर स्पीड को आपको चेंज करनी है, तो वो कैसे करनी है, आपको दिख रहा होगा ये कमांड डायल, ये वाला हर कैमरे में होता है ये कमांड डायल, तो ये कमांड डायल, केवल इस कमांड डायल को आप जैसे घुमाओगे ना, तो ये आपकी जो देखिए स्टर स्पीड चेंज हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, ये स्टर स्पीड चेंज हो रही है, केवल मैं इसको घुमाऊंगा, तो आप इस बटन से आप स्टर स्पीड मतलब हाई कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। मान लो आपको ये अपर्चर सेट करना है, ये वाला, तो ये अपर्चर आपने देखा होगा इस आपके कैमरे के अंदर, ये वाला जो है ना प्लस माइनस का बटन, जिसको अपन एक्सपोजर कंपोजिशन बटन बोलते हैं, मैंने बताया था, ये वाला बटन है, इस बटन को आप दबा के रखेंगे, ठीक है ना, ये देखिए दिख रहा ना आपको, ये आप इस बटन को दबा के रखेंगे, उस कमांड डायल को घुमाओगे, ये देखिए आप यहाँ से स्टर स्पीड चेंज कर सकते हैं, ये देखिए ये हो रही ना मेरा स्टर स्पीड, आपका अपर्चर जो है वो आप बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, ठीक है, घटा रहे हैं तो मतलब बंद हो रहा है, तो इस यहाँ से आपका अपर्चर खोल सकते हैं और आप बंद कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। और अब तीसरी चीज़ हो गई आपकी ये ISO, आप ISO देखिए, आई बटन, आपने आई बटन देखा होगा हर कैमरे में होता है, ये आई वाला, ये वाला बटन आई बटन, ये है ना, तो ये जो आई बटन है, इसको जैसे ही आप आई बटन दबाओगे, आप ISO जो है आप इस आई बटन से भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने आई बटन दबाया, ये इन्फॉर्मेशन की खुली, ये देखिए ISO, इसको आप ओके करेंगे, तो यहाँ से आप जो भी आपको ISO चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मान लो कि आपने कि यार यहाँ तो मतलब आप आई बटन बटन दबाऊंगा फिर अंदर जाऊंगा, वहाँ से नहीं करना है, तो आपने आपके कैमरे में जैसे मान लो आप
ये FN बटन है ना, ये वाला बटन FN, जैसे फ्लैश का बटन होता है फ्लैश खोलने का, और उसके नीचे FN बटन होता है। इस FN बटन को आप वैसे ये असाइन होता है, हुआ हुआ आता है कंपनी से ISO पे, बाकी इस FN बटन को आप किसी भी सेटिंग के लिए आप असाइन कर सकते हैं। तो ये अभी ISO पे जैसे सेट कर रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको ISO सेट करना है तो आप इस FN बटन को दबा के रखोगे, है ना, ये जो FN बटन इसको दबा के रखना है। अब इस कमांड डायल को घुमाओगे तो आपका जो स्टर्स ISO है वो यहाँ से आप डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। देख रहे हो ना, ये देखिए, यहाँ से ये तो हो गया आपका स्टर स्पीड अपर्चर ISO सेट करने का। अगर मान लो आपने ISO को ऑटो डालना है, ये जो ISO दिख रहा है ना, इसको मान लो कि आपने कि यार मेरे को तो ये ISO ऑटो चाहिए, मैं ISO ऑटो पे ही रखूँगा, तो आपको कुछ नहीं करना। मैं ये मेन्यू का बटन दबाया, मेन्यू को बटन में बटन को दबाने के बाद में आपको ये जो शूटिंग मेन्यू है ना, इस पर आओगे, इस पर ये देखिए ISO सेंसिविटी सेटिंग दिख रही है ना आपको, इसको इसके अंदर जाओगे, ये देखिए ISO सेंसिविटी कंट्रोल में जाओगे, आपको ऑन ऑफ दो बटन है, आप ऑफ करना चाह रहे हो तो ऑफ कर सकते हो, ऑन करना चाहो तो ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने ISO ऑन कर दिया तो ये देखिए ISO ऑन बता दिया ना मैंने कैमरा को। अब मैं जैसे स्टर स्पीड अपर्चर चेंज करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग ISO कैमरा मेरा मतलब ऑटो सेट करेगा, तो ISO ऑटो हो गया। मान लो अब आपको कि यार मेरे को ये यहाँ से आपका इमेज क्वालिटी चुन सकते हैं, मैंने उसमें ही बताया था। देखिए ये बेसिक है, ये नॉर्मल है, ये फाइन है, ये JPG है, ठीक है। ऊपर आओगे JPG प्लस फाइन है, JPG प्लस रो है, JPG नहीं देखिए हाँ, और रो प्लस फाइन बेसिक है, और ये रो फाइल है। देखिए इसमें और मैं ये चीज़ बाद में बताऊँगा इसलिए। और मान लो आपको पिक्चर कंट्रोल यहाँ से सेट कर सकते हो, नीचे आओगे ना, ये देखिए सेट पिक्चर कंट्रोल, इसमें जाओगे आप, जैसा आपको चाहिए पिक्चर कंट्रोल आप उसको सूट कर सकते हैं, ठीक है ना सर। अगर मान लो आपको ये भी बाहर आओगे, यहाँ से आप फोकस मोड चुन सकते हैं, ये AFA है, AFS, AFC और मैनुअल, ठीक है। यहाँ से आप फोकस मोड चुन सकते हो, यहाँ से फोकस एरिया मोड जो होता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, सिंगल चाहिए, डायनेमिक में चाहिए, डायनेमिक में देखिए 9 है, 21 है, 39 है, जो भी आपको चाहिए। ये 3D है, ये ऑटो एरिया ऑटो फोकस होता है, ये चाहिए, जो भी चाहिए आपको। और अगर मान लो आपको मीटरिंग अगर आपको सेट करनी है तो मीटरिंग में जाओगे, या मीटरिंग मैट्रिक्स मीटरिंग है, सेंटर वाइड टेड है, स्पॉट मीटरिंग है, जो आपको चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकते हो। मान लो आपको फ्लैश कंपोजिशन, ये जो फ्लैश है उसकी जो रेंज है उसको आप माइनस कर सकते हो और ये प्लस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये फ्लैश कंट्रोल होता है, फ्लैश कंपोजिशन, ये एक्सपोजर कंपोजिशन होता है, इसको आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, यहाँ से ISO को शॉर्ट कर सकते हो। ये जो है वाइट बैलेंस है, देखिए अब वाइट बैलेंस आप यहाँ पे आओगे, आप अपने अकॉर्डिंग जिस वाइट बैलेंस पे आप जिस जिसम में काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप वाइट बैलेंस सेट कर सकते हो यहाँ से। और आगे आओगे तो ये एक्टिव डीलाइटिंग है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग है कि ऑफ रखना चाह रहे हो या एक्टिव रखना चाह रहे हो, तो ये अलग अलग है। देखिए एक्स्ट्रा हाई है, हाई है, ये नॉर्मल है, ये लो है, और ये ऑटो है जो कैमरा अकॉर्डिंग करता है। ये HDR है, हाई डायनेमिक रेंज, इसको आप और ऑफ, जैसे आप जहाँ अगर आपको HDR कर यूज़ करना है तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये ब्रेकेटिंग है, इसमें जाओगे तो आप ब्रेकेटिंग जैसा आप अपना एक्सपोजर चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये इमेज साइज है, लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, जैसा चाहिए ये यहाँ से आप सेट कर सकती हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, सारी चीज़ मैंने बेसिक बता दिया है इसमें। और आगे वाले जो भी वीडियो में डालूँगा आप बेसिक से, जैसे एक्सपोजर क्या होता है, मैनुअल मोड के बारे में बताऊँगा, मतलब डाल लेंगे। धन्यवाद।